अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ सोयाबीन कोफ्ता करी की एकदम आसान रेसिपी शेयर करूंगी। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इसे पकाना शुरू करते हैं। सोयाबीन कोफ्ता करी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कप सोयाबीन लिया है और इसे 5 से 7 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख देंगे। 5 से 7 मिनट बाद हम देखेंगे सोयाबीन नरम हो चुकी है। अब हम एक मिक्सिंग जार लेंगे और सारे सोयाबीन में से पानी निचोड़ कर निकाल लेंगे। ध्यान रहे, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब इसमें 3 से 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी लहसुन ऐड करेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देख सकते हैं ये अच्छे से पीस चुकी है। अब हम एक बॉल लेंगे और पीसी हुई सोयाबीन को बॉल में रख देंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई 1 कप प्याज, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 कप बेसन और 1 मुट्ठी हरी धनिया ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। ध्यान रहे, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसे अच्छे से मिला लेंगे और अगर आपको लगे कि यह सूखा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पानी ऐड नहीं किया है। देख सकते हैं ये अच्छे से मिल चुकी है। अब हम एक एक करके लड्डू के आकार के कोफ्ते बनाएंगे। इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए गोल गोल कोफ्ते बना लेना है। इसी तरह से हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। सारे कोफ्ते बनकर तैयार है। चलिए अब इसे तल लेते हैं। इसे तलने के लिए गैस पे एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद एक एक करके सारे कोफ्ते तेल में डाल देंगे। सारे कोफ्ते तेल में डालने के बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे और कोफ्तों को लो फ्लेम में ही पकाना है। कोफ्ते को लो फ्लेम में नहीं पकाने पर इसके अंदर का भाग कच्चा ही रह जाता है। इसे बीच बीच में पलटते रहे ताकि यह चारों तरफ से अच्छे से पक सके। कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। कोफ्ते बनकर तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई में 4 बड़ी चम्मच तेल रखेंगे। तेल के गर्म हो जाने के बाद हम इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज का कलर ब्राउन होने तक इसे पकाना है। देख सकते हैं प्याज का कलर ब्राउन होने लगी है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा और काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। मसालों को 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में अच्छे से पकाने के बाद अब हम इसमें बारीक कटी हुई टमाटर ऐड करेंगे। आप चाहे तो टमाटर को पीस के भी डाल सकते हैं। टमाटर को मसालों में अच्छे से मिलाएंगे और इसके गलने तक पकाना है। अब हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। टमाटर गलने लगी है। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। टमाटर के अच्छे तरह से गल जाने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 2 कप पानी ऐड किया है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिलाएंगे और मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट तक इसे पकाएंगे। इसे ढक देंगे और 4 से 5 मिनट बाद हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। तो चलिए अब एक एक करके कोफ्ते डाल देते हैं। सारे कोफ्ते डालने के बाद इसे हल्के हाथों से चलाएंगे और कोफ्ते को ग्रेवी में अच्छे से मिला लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे मीडियम आंच में पकाएंगे। कोफ्ते ग्रेवी में अच्छे से मिल चुके हैं। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसके जगह पर हरी धनिया भी ऐड कर सकते हैं।
इसे अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है तो हमारी सोया कोफ्ता करी बनकर तैयार है। दोस्तों, अब हम इसे सर्व कर सकते हैं।